मनोज पांडे जी आपका दो अध्याय में है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्रारंभ हो जाएगा मुंगेली वर्सेस करपिया के बीच में। अगला मुकाबला मुंगेली और किसका है सर? करपिया। फर्स्ट कॉल करपिया वर्सेस मुंगेली। फर्स्ट कॉल मुंगेली वर्सेस करपिया। तत्पश्चात आगामी टीम बक्साई आ वर्सेस रायपुर। ये जिन टीमों का नाम लिया हूं वे तत्काल तैयार रहेंगे। और हमारे बीच एक बेहतरीन कमेंटेटर राजकुमार जी के सम्मान स्वरूप 200 रुपए का सप्रेम भेंट। जोरदार तालियों से स्वागत बसंत सोनी जी के द्वारा जो कि ताला पार से हैं। एक बार पुनः अपनी सेवाएं देने के लिए मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी निरंतर सेवाएं हमको प्रदान करते रहे राजकुमार जी। ओवर टू यू। कीर्ति नंबर 5 की जर्सी के साथ इस बार तमाम आसमानी उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। दूर वाले छोर से कश्यप जी, हमारे समीप वाले छोर से सिद्धार्थ जी, दो मुख्य निर्णायक इस मुकाबले में। एक छोर पर बक्सा ही की टीम, दूसरे छोर पर देवरी बलोद की टीम। महत्वपूर्ण मुकाबला, दो और दो के मुकाबले, इक्वल का मुकाबला। लंबा सा स्ट्रेच खींचा, अंत में स्कॉर्पियन किक वो कॉर्नर के ऊपर। दूसरी मरतबा दूर वाले कॉर्नर को पीछे धकेला, धकेलने के साथ अपने छठे कॉर्नर का चुनाव किया। दूसरी ओर कीर्ति ही निकले और कीर्ति जहां नंबर 5 की जर्सी के साथ, नंबर 5 की जर्सी के साथ में वो 5 का डिफेंस भी है इस समय देवरी बलोद के कोर्ट के ऊपर। जहां अंदर गए वार्नर, इनके ऊपर फिंगर चलाया, सफलता हाथ लगी नहीं, खाली खींचा ढंग से अपने घर के लिए। दूसरी ओर इस समय 7 का हाउसफुल मैदान बक्साही के कोर्ट के ऊपर। नंबर 5 की जर्सी इस समय प्रहार के ऊपर, दोनों एंकल पर गए जरूर, लेकिन इतने एडवांस आने की कतई आवश्यकता थी नहीं डिफेंस को। एडवांस आने के साथ साथ उत्पान का भी सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण एक अंक बढ़त पर नजर आ रही है देवरी बलोद की टीम। कीर्ति को चाहिए उस अंकों की बराबरी के लिए, वो अंक बटोरे। रिवाइवल भी हुआ है, उस रिवाइवल के साथ छह खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर, फिंगर टच कवर के ऊपर दावे किए जा रहे हैं। हमने सुना कि कसमे वादे माँ कसम काफी चली मार्केट में, भैया जी उस बात को याद दिला रहे थे। और भोजनालय से आते वक्त वो लाउड स्पीकर की आवाज कान तक पहुंची जरूर थी, वही बात अभी भी आने को है। और महत्वपूर्ण टेकल यहाँ से एक अंक निश्चित किया स्टेकल के जरिए। 3 और 4 के मुकाबले जहां एक अंक ऊपर पा रहा है बक्साई, 4 का डिफेंस, यहां से बोनस ऑफ है। कीर्ति को चाहिए उस लीड को बरकरार रखना है तो वो अंक की जरूरत है। और अंक की जरूरत है वो अपने डिफेंस को भी सहेजने की जरूरत है। बिखराव जहां से हो वहां तो देवरी बलोद अपने डिफेंस में उसको संभाल लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में डिफेंस ने वो काम किया और डिफेंस काम करने के साथ साथ एक अंक इजाफा, तो 2 अंक बढ़त पर जा रहा है। साथ ही साथ पहले हाफ का पहला टाइम आउट बुला लिया है इस बीच बक्सा ही। मैं
तीन की ओर टिकड़ी जहां से खाली खींचा नंबर पांच की, दूसरी ओर इस समय नंबर आठ की जर्सी प्रहार के ऊपर देवरी बालौद की ओर से, जहां सात का हाउसफुल मैदान राइट को रेडर अवर को हल्की डाउस के साथ पीछे धकेला, धकेलने के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर वो तकते रहे डिफेंस को, तकने के साथ खाली खींचा सुरक्षित ढंग से हुटर, वो शायरन की आवाज कृति के कानों तक पहुंची, जहां इस समय वो डीप खेल रही है डिफेंस, डिफेंस से गलती हो गए और डिफेंस से गलती होने के साथ साथ इजाफे पर जा रही है यहां से बक्साही, पेपर बक्सा ही देवरी वालों धर तीन पर तीन अंकों की बढ़त, यहां से डिफेंस अपने आप को खींच ले, यहां किसी प्रकार की उतार लेना बरते तो बेहतर होगा, लेकिन अंकुश लगाया रेडर को और अंकुश लगाने के साथ साथ कैच को पूरा किया अपने कोर्ट के ऊपर, महत्वपूर्ण मुकाबला लगातार वो अंक सहेजे जा रहे हैं ऑल आउट के दहलीज पर इस समय देवरी बालौद के टीम के साथ पर इस समय बक्सा है तीन पर उठे स्कोर के साथ में देवरी बालौद नंबर तीन की जर्सी इस समय कोर्ट के ऊपर अकेले डिफेंस में और ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेला, क्या फिजिकली तौर पे वो ऑल आउट उठता होना बाकी रहा और आसमानी तीन उंगलियों ने सुनिश्चित भी किया, जहां से 10 और 3 के मुकाबले स्कॉर्पियन किक तिरती की कॉर्नर की ओजोड़ी, जहां 4 और 5 बोनस का अटेम्प्ट लेने का प्रयास, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी ये भी देखने वाली बात होगी, बहरहाल 7 का डिफरेंस है और 7 के डिफरेंस में खींचना मुनासिब समझा रेडर ने, दूसरी ओर कीर्ति ही निकले और कीर्ति जिस तरह से वो अंक बटोर रहे हैं पहले हाथ के ही खेल में, मिनट से अब सेकेंडों में आ चली है पहले हाफ का, सर के ऊपर सफलता हाथ लगी, एक अंक इजाफा और हुआ बक्साही के लिए, बक्साही अपने सरजमी के ऊपर कुछ इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कतई वो हल्ला हो नहीं रही है, किसी प्रकार की वो तालियों से उत्साहवर्धन नजर आ नहीं रहा है, ये थोड़ी सी कमी लग रही है बक्साही की सरजमी के ऊपर, बक्साही एक परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ कैच को पूरा किया कवर के खिलाड़ियों ने और कैच को पूरा करने के साथ साथ 5 और 11 एक लंबे विसिल की हिदायत के साथ चश्मा भरी रेड, जहाँ नंबर 3 की जर्सी सेंटर लाइन पर सकते रहे उनके पीछा करने के साथ नंबर 8 की जर्सी दहलीज पार की और दहलीज पार करने के साथ साथ एक सात का हाउसफुल मैदान है, बोनस ऑन है, लंबा साइज कैच खींचा कॉर्नर की जर्सी पास, लेकिन सफलता हाथ लगी और खेलने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया, दूसरी ओर ऊंचे लंबे कट के रेडर नंबर 11 की जर्सी के साथ महत्वपूर्ण वो मुकाबला जरूर है और ओह 5 का डिफेंस है, फिंगर चलाया कॉर्नर टीम के पास, सफलता हाथ लग रही है ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण रूप से आप इसी तौर पे बस सालो मार पर ही आगे मार ला आवाज कर रहा करें भाई माइक में विजय साथ ही साथ इस वर्तमान महत्वपूर्ण शेकल के जरिए एक अंक की भरपाई किया 7 और 11 के मुकाबले देवरी बालौद है, वो इस तरह से शुरुआत के क्षण में अंक जरूर खोया लेकिन उस अंक को खोने के साथ साथ यहां अफरा तफरी हो गई है डिफेंस के, जहां वो बिखराव से लग रही है कबड्डी दल बक्साही को डिफेंस और इस बिखराव में उस अंकों को सहेज रहा है अपने पाले में देवरी बालौद की टीम, सहेजने के साथ उस अंकों की भरपाई भी कर रही है और भरपाई कुछ इस तरह से 8 और 11 के मुकाबले तो 3 अंक ही पीछे पा रही है, लेकिन बोनस का अंक निश्चित हुआ है बक्साही के लिए, 12 पर है इस समय बक्साही, 8 पर है देवरी बालौद की टीम, क्या सुपर टैकल का मौका होगा, जी नहीं
अंत में वो दो बंदों पर जा रहा है टीम बक्सा ही। एक बॉल का मुकाबला, टाइम आउट बुला लिया है। इस बार फिर से मैच आरंभ हो चला है। कीर्ति है जिनके कंधे के ऊपर जवाबदारी भी है। कीर्ति को चाहिए उस अंकों की लीड को बरकरार रखने के लिए अंदर जाने होंगे और अंदर जाने के साथ साथ वो अंक भी बटोरने होंगे, तब कहीं जाकर के बाद जिस तरह से पहले हाफ में वो महत्वपूर्ण अंकों की लीड नजर आ रही थी बक्सा ही के पक्ष में, लेकिन जैसे ही दूसरे हाफ पर खेल के वो शुरुआत हुआ और शुरुआती क्षण में ही वो अंकों की भरपाई की, जहाँ इक्वल के मुकाबले हो चला है 12 अंक पर और ठहरा स्कोर बक्सा ही का। और वही 12 अंक की टीम महत्वपूर्ण दो अंकों का नुकसान हो चला यहाँ पर, दो अंकों का नुकसान इकट्ठे वो नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड पर, दो अंकों की वो बढ़त नजर आ रही है देवरी बालोद के पास। ये बहुत बड़े नुकसान होगा बक्सा ही के लिए। और एंकल ये खूबसूरती के साथ पूरा किया इस कैच को, यहाँ से अब थोड़ी सी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है बक्सा ही की टीम। 15 और 12 के मुकाबले महत्वपूर्ण मनोबल वही बना करके रखे, अपने संयम न खोए, डिफेंस बात बनेगी ये जरूर है। और एक इस तरह का सिंगल टैकल अब कहीं जाकर के 4 अंकों की लीडो नजर आ रही है देवरी बालोद के पक्ष में, जहां उस पहले स्कोर के साथ 12 अंक पर बक्सा ही नंबर 8 के जर्सी के कंधे के ऊपर वो जवाबदारी उस अंकों की भरपाई करे, और भरपाई करने के साथ साथ वो बढ़त का अंक भी सहेजे अपने पाले में। इसके बाद बनेगा महत्वपूर्ण मुकाबला, जहां से 3 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। उस अंतिम विशेष की हिदायत के लिए तीन की ओर टिकड़ी सुपर टेकल कर जाती है तो 2 अंक इकट्ठे आएंगे, लेकिन वो क्या करके देख प्रयास करेगा यहाँ से बक्सा ही, ये भी देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण मुकाबला दो मिनट और 35 सेकेंड का खेल अभी भी आएंगे, जहां 7 का हाउसफुल मैदान क्या डुआ डाई पर खेलना चाह रही है इस समय बक्सा ही का। और 3 की ओर टिकड़ी सुपर टेकल का मौका अभी भी है, सुपर टेकल कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक की भरपाई कर लेगी और 2 अंक से पिछड़ेगी ऐसे यदि ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन क्या करना चाहेगी बक्सा ही की डिफेंस, जरूर प्रयास किया लेकिन उस अफरा तफरी में उतावलेपन में उस बक्सा ही की उस बिखराव को समेट रहा है इस समय अपने पाले में देवरी बालोद की टीम, जहां से लगातार वो अंक बटोरी पहले हाफ में और दूसरे हाफ में वो लगातार अंक खोती गई और खोने के रिजल्ट कुछ इस तरह का है। 21-12 के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला, 1 मिनट और 35 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे। इस दूधिया रात्रि में भी बक्सा ही के लिए मुकाबला अब थोड़ी सी धूमिल सी लगने लगी है। मुकाबला जरूर शुरुआत में काफी अच्छी शुरुआत किया था बक्सा ही ने, जैसे जैसे समय गुजरा और समय गुजरने के साथ साथ उनकी डिफेंस की वो बिखराव हुई और डिफेंस जहां से बिखराव हुई लगातार सहेजने लगा अंकों को, उनके बिखराव को समेटने लगा अंक के बदौलत यहाँ से देवरी बालोद की टीम नंबर 8 के जर्सी इस समय 7 का हाउसफुल मैदान बक्सा ही के कोर्ट के ऊपर लाइन होल्ड करके रखा है। और यहाँ से लास्ट एंड फाइनल कॉल करतिया कबड्डी
आसमानी और तीन उंगलियां सुनिश्चित हो रही है और 24-13 के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला और इस समय अंतिम समय पर टेकल भी किया। कुछ सेकंड का खेल अभी आएंगे, अंतिम सेकंडों का वो खेल जहां तीन की वो टिकड़ी अभी भी है। नंबर 10 के जर्सी के साथ स्ट्रगल मैच में अभी जो मैच होना था मुंगेली विरुद्ध करपिहा, इस मैच में थोड़ा संशोधन किया जा रहा है क्योंकि मुंगेली की टीम खाना खाने गए हैं, उसके स्थान पर अभी मैच होना है बक्साई विरुद्ध रायपुर। ये दोनों का मैच होना है, बक्साई विरुद्ध रायपुर। ये दोनों टीम अतिथि अपनी तैयारी कर लेंगे।